अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हे व्यूअर्स, हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक चल रहा है, हमारा 13 पॉइंट जा रहा है, पाकिस्तान एंड यूएस वार ऑन टेरर। वार ऑन टेरर क्या है? हमारा 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके बाद हमारी ये वार ऑन टेरर इन्होंने लगा दी थी। यूएस वालों ने मिलिट्री कैंपेन्स बनाई थी ये टेररिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। वार ऑन टेरर इज़ एन इंटरनेशनल मिलिट्री कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूएस गवर्नमेंट आफ्टर 9/11 अटैक। ये वार ऑन टेरर है, वार ऑन टेररिज्म भी कहते हैं इसको, एंड ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन इसके किए जा रहे हैं रशिया एंड इंडिया पर, एंड इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। हमारा पाकिस्तान एंड यूएस का ही रोल है वार ऑन टेरर पर। 9/11 अटैक का एक सेपरेट टॉपिक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है। आई थिंक 14th टॉपिक हमारा जो है, 14th पॉइंट, वो 9/11 अटैक का है, वो हमारा इस वीक में कवर हो जाएगा। हम मैंने सबसे पहले ये समराइजेशन बता दी है कि पोस्ट 9/11 अटैक पे हमने क्या क्या इन्होंने किया था। 9/11 अटैक कब हुआ था? September 2001 में 11th डेट थी, और ये 4 एयरप्लेन्स थे जो कि हाईजैक कर लिए गए थे, और इनको यूएस पे टारगेट किया गया था। तो बुश ने वार ऑन टेरर, एक सबसे पहले उसने वार ऑन टेररिज्म कहा था, देन एक स्पीच में उसने वार ऑन टेरर कर दिया था कि वो अब से वार ऑन टेरर ही पढ़ा जाता है। ये हम मोस्टली स्पेसिफिकली जो है वो अलकायदा के अगेंस्ट किया था, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस वक्त हमारे मुशर्रफ थे, और उन्होंने भी इसको यूएस की हेल्प करने के लिए एग्रीमेंट दी थी कि वो हमें एयर बेसिस यूज़ करने देंगे, वो यूएस वालों के लिए इस तरह की हेल्प करेंगे कि पाकिस्तान के थ्रू मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय हाइटन सस्पिशन ऑफ नॉन अमेरिकन इन यूएस, इंक्रीज गवर्नमेंट एफर्ट्स टेररिज्म के अगेंस्ट, एग्रेसिव अमेरिकन बिहेवियर, फॉरेन पॉलिसी, एंड रोल ऑफ पाकिस्तान इन वार ऑन टेरर क्या है। रोल ऑफ पाकिस्तान हमने इसमें बताना है कि पाकिस्तान ने इसमें क्या रोल अदा किया था। पाकिस्तान ने फैसिलिटेटिंग यूएस लेड इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान किया था, मटीरियल की ट्रांजिट के लिए उन्होंने पाकिस्तान को, यूएस वालों को परमिशन दी थी अक्रॉस पाकिस्तानी टेरिटरी टू यूएस फोर्सेज इन अफगानिस्तान, एंड प्रोवाइडेड हेवन नॉट ओनली फॉर द रेडिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट टारगेटिंग राइवल इंडिया बट ऑल्सो फॉर अफगान तालिबान। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि अफगान तालिबान के लिए भी उन्होंने सेफ्टी प्रोवाइड की थी। उन्होंने ब्लॉक द एफर्ट्स ऑफ सम तालिबान लीडर्स टू सीक पीस, पीस लेने के लिए भी करजाई गवर्नमेंट इन काबुल के साथ उन्होंने सीख ब्लॉकेज कर दिया था कि वो पीस ना ले सकें। ओके, प्राइमरी कंसर्न्ड विद दी इंडिया से जो कश्मीर का इशू हमारा चल रहा है, पाकिस्तान स्पेसिफिकली उसके लिए स्ट्रगल कर रहा था कि यूएस वाले हमारी इंडिया से हेल्प करेंगे, इंडिया से पीस में हेल्प करेंगे, लेकिन अभी तक वो फेट ऑफ कश्मीर का इशू अभी तक ऐसे ही कंटिन्यू है। अभी तक कोई पीस डिवेलपमेंट नहीं हुई इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान, अभी तक इशू हैं। सिंस 1947 जब से ये दोनों इंडिपेंडेंट हुए हैं कंट्रीज, इंडिपेंडेंसी के बाद से इनके ये क्लैशेस चल रहे हैं। पाकिस्तान की ये एक स्टेटमेंट है जो कि आजकल भी ट्रंप ने भी ये डिक्लेयर की थी, और ये मैंने इस वेबसाइट से लिया है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन कर दी है। पाकिस्तान ने टू क्लेवर बाय हाफ पॉलिसी ये डिप्लोमेसी की थी कि सपोर्टिंग यूएस अगेंस्ट तालिबान एंड सपोर्टिंग तालिबान अगेंस्ट यूएस, के बोथ साइड से उन्होंने सपोर्ट किया था दोनों के अगेंस्ट, ठीक है। ये आप एक दफ़ा कंफर्म कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट वैसे ही ये जाती है बात, लेकिन इस बात के बाद ट्रंप ने फिर पाकिस्तान के सारे बैन कर दिए थे, जितनी भी हमारी हेल्प वहाँ से हो रही थी वो सारे कुछ बैन कर दिया था, फंड्स वगैरह ख़त्म कर दिए गए थे। पाकिस्तान हैज़ प्रोवाइडेड मोर सपोर्ट, कैप्चर्ड मोर टेररिस्ट एंड कमिटेड मोर ट्रूप्स दैन एनी अदर नेशन इन द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोर्स। ये ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोर्स वार ऑन टेरर से रिलेटेड इन्होंने सब ने बनाई थी मिलकर, यूएस, यूके, पाकिस्तान एंड डिफरेंट एलियस ने। देन सैक्रीफाइसेस एंड इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान ने क्या क्या सैक्रीफाइसेस दिए थे और पाकिस्तान पे क्या क्या इफेक्ट्स आए थे। बहुत सारी डेथ्स हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, सिविलियंस भी थे और आर्मी के भी लोग थे, सोल्जर्स भी थे, काफ़ी सारे लोग थे। टोटल एटलीस्ट 60,000 पीपल की डेथ हुई थी वार ऑन टेरर में, एंड वाइल द इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ था, रिलेटेड टू $120 बिलियन के करीब। ओके, ये मैंने कुछ पॉइंट्स में इसका थोड़ा सा बता दिया कि इस पे इफेक्ट्स क्या क्या हुए थे, एंड सैक्रीफाइसेस के साथ ही लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ थी, डिस्प्लेसमेंट थी, हार्म टू राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफर टू सिटीजन, जो कि पाकिस्तान वालों ने इन सिटीजन्स के साथ प्रोटेक्शन दी हुई थी वो सारा कुछ हार्म हुआ था।
उनके लिए भी डैमेज हुआ था, अंडरमाइनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन लीगल स्ट्रक्चर एंड अमेरिकन मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स हुए थे, वो भी बर्दाश्त करने पड़े थे पाकिस्तान को। देन यूएस पाकिस्तान इंगेजमेंट, सबसे पहले तो ये 9/11 अटैक से पहले भी काफ़ी जगह पे यूएस पाकिस्तान की इंगेजमेंट हुई थी, वो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि हम वार ऑन टेरर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली फोकस क्या था, वार ऑन टेरर पे था, सिक्योरिटी पे था, नेशनल एंड ग्लोबल बोथ सिक्योरिटी पे था, टेररिज्म पे था, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इकोनॉमिकल इशूज, स्ट्रेटजिकल अपॉर्चुनिटीज़, डेमोक्रेसी, एंटी अमेरिकनिज्म इन मुस्लिम वर्ल्ड। एंटी अमेरिकनिज्म जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी भी सारे कंट्रीज़ में है। एंटी अमेरिकनिज्म क्या है, जैसे अमेरिका के अगेंस्ट मतलब हो जाना, जैसे ये डिप्लोमेसी करता है कि हम ये करेंगे लेकिन वो करता नहीं है, इस तरह एंटी अमेरिकनिज्म में थोड़ा सा मैंने नीचे डिस्कस किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि ये आजकल कैसा चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट हेल्प पाकिस्तान परस्यू अ पाथ दैट मीट्स इट्स पीपल्स डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस एंड सोशियो इकोनॉमिक नीड्स। ओके, ये नीड्स जो है हमारी यूनाइटेड स्टेट फुलफिल करता है। पहले जो ट्रंप ने, जो मैंने स्टेटमेंट बताई है, जो ट्रंप ने कहा था, उन्होंने काफ़ी फंड रेजिंग जो थी वो फंड्स वगैरह ख़त्म कर दिए थे पाकिस्तान से। उसके बाद पाकिस्तान इज़ एन एली ऑफ यूएस इन वार अगेंस्ट टेररिज्म, लॉन्च्ड मिलिट्री ऑपरेशंस थ्रू इट्स सिक्योरिटी फोर्सेस। लैक ऑफ सूटेबल इक्विपमेंट्स, वेपनरी एक्सपर्टाइज, इतनी मिलिट्री जो हमारी जो थी वो इतनी एक्सपर्टाइज नहीं थी, उसकी इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, इसकी लैक और डेफिशिएंसी की वजह से इक्विपमेंट्स नहीं थे हमारे पास, उस तरह के टैंक्स वगैरह नहीं थे, उस तरह की चीज़ें नहीं थी, सारे वेपन्स वगैरह नहीं थे। इसलिए यूएस हेल्प्ड पाकिस्तान इज़ फाइनेंशियली एज वेल एज ट्रेनिंग देयर मिलिट्री, हमारी मिलिट्री की ट्रेनिंग भी इन्होंने की थी। इवन अब हमारे ट्रेनर्स और मिलिट्री की इतने अच्छे हैं कि मेरे ख्याल में आई थिंक 6th टॉप पे हमारी मिलिट्री जाती है, हमारी एयरफोर्स अच्छी है, हमारे सारे ट्रेनर्स अब बहुत अच्छे हैं कि हमारी बेस अच्छी बन गई हुई है। पाकिस्तान हैज़ कोऑपरेटेड विद यूनाइटेड स्टेट्स इन अ नंबर ऑफ वेज बाय ग्रांटिंग लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज, शेयरिंग इंटेलिजेंस, कैप्चरिंग एंड हैंडिंग ओवर अलकायदा टेररिस्ट्स। पाकिस्तान ने इस सारी चीज़ों में भी बड़ी हेल्प की है, अलकायदा के टेररिस्ट को भी वापस किया है, इस तरह उनको पकड़ा भी है, यूएस के हवाले किया है, ये सारा आप बता सकते हैं। चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए कितने चैलेंजेस थे, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। अगर आप देखा जाए तो वार ऑन टेरर है, काफ़ी जाने गई हैं, सोल्जर्स भी मरे हैं, सिविलियंस भी मरे हैं, और पैसा भी पैसे के भी काफ़ी लॉस हुआ है, इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत है, पॉलिटिकल लॉस भी है, सोशल लॉस भी है। तो चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान के हिसाब से हमारे पास काफ़ी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल एनवायरमेंट रिमेन्ड अ थ्रेट टू इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। देन रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया स्टिल द सेम, पाकिस्तान एंड इंडिया का इशू स्टिल फ्रॉम द स्टार्ट सिंस 1947 इंडिपेंडेंस के वक्त से लेकर अब तक, अभी तक उनका कश्मीर इशू है, सिर्फ कश्मीर इशू नहीं, बाकी भी इशूज़ हैं। इंडिया कभी पाकिस्तान पे अटैक कर देता है, कभी प्लेन पकड़ा जाता है उनका, तो कभी कुछ, इस तरह के काफ़ी रिलेशंस हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पीस बिल्कुल भी नहीं है। एंड इरिटेंट पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी अब पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे जो इंस्टेबिलिटी है वो बता सकते हैं, ये भी एक चैलेंज था। रिलेटेड टू सोशल चेंज, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटाइजेशन, पाकिस्तान नीड्स टू चेंज इट्स एक्सटर्नल बिहेवियर, इसको अपना एक्सटर्नल बिहेवियर स्ट्रॉन्ग चेंज करना चाहिए, अपनी इंटरनल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रादर दैन परस्यू एक्सटर्नल गोल्स इन एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल स्टेबिलिटी। अपने इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, इनको इंटरनल ऑर्डर के बेटरमेंट के लिए एक्सटर्नल बिहेवियर सही करना पड़ेगा। बाय क्रिएटिंग पॉलिटिकल स्पेस फॉर इस्लामिस्ट, मिलिट्री मे हैव हेल्प्ड फॉस्टर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री। पहले मिलिट्री वगैरह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो पॉलिटिकल स्पेस फॉर इस्लामिस्ट लोगों को भी ऐड किया गया था, जिसकी वजह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कंट्री में ज़्यादा आ गया। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान और एक्सट्रीमिज्म इन एनी मुस्लिम वर्ल्ड, ये वर्ल्ड, ये बाकी पूरी दुनिया में देखा जाए तो, इन वेस्ट, इन अमेरिका, इन यूएस, यूके, इन सब में देखा जाए तो एक्सट्रीमिज्म के हवाले से मुस्लिम्स को बहुत ही बुरा कंसिडर किया जाता है। लैक ऑफ लेजिटिमेसी लेड टू डिपेंडेंसी ऑन फोर्सेस। एंटी अमेरिकनिज्म क्या है, एंटी अमेरिकनिज्म में हमारे पास आ जाता है कि आजकल सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ मेजरली, जो कि वेस्ट को, अमेरिकन को के अगेंस्ट बोलते हैं, एंटी अमेरिकनिज्म उनको अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उनकी रीज़न है, वो जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते। लाइक जब उन्होंने इंडिया के साथ हेल्प करने का वादा किया था, वो अभी तक उन्होंने इतनी कोई हेल्प नहीं की इंडिया के बारे में, और वार ऑन टेरर में पाकिस्तान से हेल्प ले ली, पाकिस्तान के साथ यूज़ कर लिया, लेकिन उन्होंने एंटी अमेरिकनिज्म की एक थॉट बना दिया पाकिस्तानीज़ में।
द वार ऑन टेररिज्म हैज शार्पन्ड द टेंशन बिटवीन इस्लाम एंड द वेस्ट. इस्लामिक वर्ल्ड स्पेशली रैशनलाइजेज इट्स ओन एरेंट बिहेवियर बाई एक्यूजिंग द वेस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स. वेस्ट को डबल स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है. फॉलन शॉर्ट ऑफ इट्स आइडियल्स इन इट्स फॉरन पॉलिसी एंड यू एस हैज नॉट बीन अ रिलायबल एले एंड हैज नॉट हेल्प पाकिस्तान मच इन इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया. स्टिल द सेम, इंडिया के साथ इसने हमारी इतनी कोई हेल्प नहीं की जितना कहा गया. नाउ दिस एंटी अमेरिकनिज्म इज बींग एक्सप्लॉइटेड बाई द इस्लामिस्ट. ओके, द पॉलिसी रिकमेंडेशंस जो यूएस पाकिस्तान के साथ हैं वो हमारी ये बनती हैं. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीसफुल इंटरनल ऑर्डर आर एसेंशियल फॉर अट्रैक्टिंग क्रिटिकली नीडेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. हमें फॉरेन कंट्रीज़ को अपने कंट्री पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, पीसफुल बिहेवियर रखना चाहिए. पाकिस्तान हैज़ टू चेंज एंड रीफॉर्म ऑन इट्स ओन. इसको अपने आप पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने आप कुछ करना चाहिए पाकिस्तान को. सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स मस्ट बी रिफॉर्म्ड एंड एजुकेशनल सेक्टर्स को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. प्लानिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रेनिंग द टीचर्स में पॉलिसी इम्प्रूव करनी चाहिए. और भी एजुकेशनल सेक्टर्स के हिसाब से हमारे जितनी इंप्रूवमेंट्स हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. यूएस मस्ट नॉट अपीयर एज अ कॉन्फ्लिक्ट विद इस्लाम. यूएस को इस्लाम के साथ इतनी कॉन्फ्लिक्शन नहीं रखनी चाहिए. पाकिस्तान नीड हेल्प फ्रॉम यूएस टू क्रिएट अ डायनामिक इकोनॉमी दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान को इकोनॉमी की हेल्प जो है वो यूएस की तरफ से होनी चाहिए. ये आप थोड़ी सी पॉलिसी चेंजिंग में डाल सकते हैं रिकमेंडेशंस में. ये हमारा बहुत टफ टॉपिक था, आप इसमें और भी हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं तो कर लें. वैसे वार ऑन टेरर पे काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री और बहुत ही लंबी डिटेल दी हुई है सीएसएस की रिलेटेड वेबसाइट्स पे, इसलिए आप इस तरह हेडिंग वाइज थोड़ा सा आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी टाइम पर अपलोड कर देंगे. अल्लाह हाफिज़.